आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल इंसान है, somebody that जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, और लगभग एक साल से, इनफैक्ट लास्ट ईयर जून से ही इज़ बीन कनेक्टेड विद मी. ही इज़ फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन ग्रेटर नोएडा, एंड हिमसेल्फ ही इज़ बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. इसके पिछले एक साल में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं. जब भी ओलंपिया की तैयारी पे था तो कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ था, और वेइंग के टाइम पे इसको वो छोड़ना पड़ा था अपना ड्रीम कि ओलंपिया का स्टेज भी चढ़ पाएगा. कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, कभी कुछ कुछ गंदी वाली चीटिंग हो जाती है, बट ही हैज़ नॉट गिवन अप. सो गाइज, लेट्स मीट सुमित नागर. हेलो एवरीवन, सुमित नागर ग्रेटर नोएडा से, छोटा मोटा एक फिटनेस मॉडल एंड मैन फिजिक एथलीट, जिसमें मैं कम्पीट कर रहा हूँ पिछले एक साल से. छोटा मैं खुद 6 फुट का हूँ, और इस फ्रेम में आपको देख रहा हूँ कि कितना छोटा और कितना मोटा है ये. वो एक साइज अलग मैटर करता है, लेकिन एक समझ सकते हो. सो सुमित, टेल अस अबाउट योरसेल्फ कि यू बिलोंग टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन ग्रेटर नोएडा. थोड़ा उसके बारे में बताइए कि ऐसे सॉलिड कम्युनिटी से जहाँ पे हर कोई जानता है, और एक अच्छा एथलीट बनना कितना चैलेंजिंग काम है. हाँ, हमारी कम्युनिटी में देखो शौक तो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा. लोग अब क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन. हर कोई बंदा, हर दूसरा बंदा सोचता है मैं बॉडी बना लूँ, लेकिन शॉर्टकट्स यू नो कि भाई एक महीने में बना दो, दो महीने में बना दो, आपके जैसे कैसे बनेगी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. फिर वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स पे चले जाते हैं. फैमिली वगैरह ऑलरेडी भैया बता चुके हैं, मैं गुर्जर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा अपना बस मनमानी रहती है कि नहीं ये सब करना है करना है. सबसे पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ. हाँ बिल्कुल. मैं स्टार्टिंग में स्टडी करता था, मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था, बस नॉर्मल था. उसके बाद स्कूलिंग करी, स्कूलिंग के बाद फिर मैं घर पे, घर वालों ने कॉलेज में एडमिशन करा दिया. बस एक शौक था कि मैं फिटनेस उसमें जाऊँ. उस टाइम भी यू वर लाइक अ बीस्ट? नहीं नहीं नहीं, उस टाइम बस ये था कि बस मैं इधर उधर घूम रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ. लेकिन मैं उस टाइम क्रिकेट बहुत खेलता था. बहुत ज़्यादा क्रिकेट में इतना ज़्यादा वो था, जहाँ भी देखो वहीं क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट. मुझे सोचा बस क्रिकेट में ही कुछ करना है, मुझे क्रिकेट में ही जाना है, क्रिकेट में ये बनना है, वो बनना है. लेकिन जब देखा कि उधर भी जो है ना बहुत ज़्यादा वो है, हमारे लिए कोई इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस नहीं है, तो फिर सोचा यार चलो. वो भी मैंने घर वालों से बोला, घर वालों ने इतना सपोर्ट नहीं किया क्रिकेट के लिए, बोला नहीं रहने दो. फिर इंजीनियरिंग लाइन में डाल दिया, फिर वहाँ से स्टडी करी, ग्रेजुएशन करी. उसके बाद फिर बोलते हैं कि अब क्या करना है, मेरे को जॉब के लिए बोला गया, जॉब करो. मैंने कुछ टाइम किया, एक साल. कहाँ? दिल्ली में. दिल्ली में जॉब किया. करी तूने? दिल्ली में एज ए मेडिसिन कंपनी में जॉब करी थी. अच्छा. बस एज ए टाइम पास कुछ टाइम करी, लेकिन वो कंपनी वाले उनको सबको किसी को सूट ही नहीं हुआ कि मैं जॉब करूँ. कह रहे तुम जॉब लायक नहीं हो, तुम जॉब मत करो. मैं क्या करूँ? कह रहे कि मॉडलिंग वगैरह में ट्राई करो. फिर वहीं से दिमाग चेंज हो गया. फिर जाके मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी 2011 में. मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया. शुरू में बहुत दुबला पतला, 47-48 केजी का. पहले मैं बहुत पतला था पहले. हाँ, ये मैं बहुत पतला था. 48 केजी वेट था मेरा. बहुत ज़्यादा एकदम, जब दूसरे बंदे को देखता था यार ये ऐसा है, मैं ऐसा कैसे होऊंगा. एक दोस्त थे मेरे, राजेश भाई हैं, वो काफ़ी उस टाइम पे एक बीस्ट थे. उनको देख के, भाई तुम्हारी बॉडी बहुत तगड़ी है कैसे, उसने कहा मेहनत लगती है. मैंने कहा कितना टाइम लग गया? कि 4 साल लग गए. अरे भाई 4 साल लग गए, ठीक है. स्टार्ट किया, करते 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 काफ़ी टाइम हो गया. ठीक है, शुरू में पेन हुआ कुछ. सबसे पहले कोच की एडवाइस होती है. शुरू में मेरे कोच थे पवन बासट्टा, दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं वो. उन्होंने काफ़ी गाइड किया. फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, चलता रहा. फिर अभी 2017 में किसी, मतलब दोस्त वगैरह ने बोला कि तुम जो है जाके कहीं कम्पीट करो. पिछले साल मुझसे बोला. नॉर्मल फिजिक थी, सब बोलते थे यार तुम्हारी बॉडी अच्छी है, ठीक है, तुम जाके एक बार ट्राई कर लो मेन फिजिक में.
मैंने कहा ठीक है ट्राई कर लेता हूँ, फिर भी मन नहीं छोड़ना है, बस ऐसे ही फिट रहना है, मन नहीं था स्टेज पे जाने का, मन नहीं था, बस नहीं छोड़ो। फिर एक बहुत ही स्पेशल पर्सन, उसको किसी ने बोला कि इसको बोलो, कि बोला कि यार जब सब दोस्त तुम्हारे बोलते हैं कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए ट्राई करना चाहिए, तुम एक बार ट्राई करो। ठीक है मैंने ट्राई किया, मैंने 2017 में ट्राई किया जूनियर इंडिया के लिए, दिल्ली ट्रायल था। कहाँ पे? दिल्ली दाजिम में था। अच्छा, उसके लिए मैं आया ट्रायल के लिए, उसमें मैं क्वालिफाई हो गया। मैंने उसको बोला मैं क्वालिफाई हो गया हूँ, उसने बोला बहुत अच्छा, आगे जाके तुम कम्पीट करो इसमें। मुझे एक महीने का टाइम मिला, मैंने अच्छे से तैयारी करी, मेरे सर ने बहुत मेहनत करी मेरे साथ। उसके बाद मैं पवन बासट्टा, अच्छा फर्स्ट कोच थे। हाँ। उसके बाद फिर मैं होते होते एक महीने का मुझे टाइम मिला, मैंने अच्छी मेहनत करी मेरे सर ने मेरे साथ। उसके बाद मैं जूनियर मिस्टर इंडिया खेलने गया छत्तीसगढ़ में, वहाँ मैंने कॉम्पीट किया और मेरे उस फर्स्ट कॉम्पिटिशन में मेरा सिल्वर लगा। वाह। उसके बाद ठीक है, उसके 10 दिन बाद मुझे फिर से कॉम्पीट करना था, लेकिन जब वो था पानी छोड़ना, मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था। तो ये जो पूरी साइकिल है, पानी छोड़ना, नमक छोड़ना, ये सब पहली बार एक्सपीरियंस? हाँ पहली बार, और बहुत टफ था। बस एक बार ये होता था, ये हो जाए उसके बाद फिर नहीं करना, ये हो जाए उसके बाद ये नहीं करना, लेकिन आफ्टर विन विनिंग यस चस्का थोड़ा लगा, यार हाँ मैं तो कर सकता हूँ, मैं कुछ करूँगा और आगे चलूँगा। उसके 10 दिन बाद मुझे नॉर्थ इंडिया खेलना था, फिर उसी इंसान ने बोला कि तुम जाओ तुम खेलो तुम जीतोगे, तुम जाओ तुम खेलो और तुम जीतोगे। घर से भी सपोर्ट मिला, घर वालों ने बोला ठीक है तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम जाओ आगे बढ़ो, तो मैं गया फिर और नॉर्थ इंडिया में मेरा गोल्ड लग गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब मुड़ना नहीं है, अभी बस गाड़ी प्लेटफॉर्म पे है उसको चलाना है, और मैं चलाते चला गया। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली कॉम्पीट किया, दिल्ली में मेरा गोल्ड आया, वाह गोल्ड। मेरे दोस्त बोल रहे थे अबे कुछ खरीद तो नहीं रखा किसी को? नहीं यार खरीदा नहीं है, मेरी मेहनत है, मेहनत है मेरी मेहनत है। मैंने नॉर्थ इंडिया गोल्ड किया, इंडिया उस टाइम सिल्वर किया, फिर मुझे इंडिया में कॉम्पीट करने का मौका मिला और मैंने इंडिया में कॉम्पीट किया और उसमें भी मेरा गोल्ड था, बैक टू बैक, बैक टू बैक गोल्ड, टू टाइम दिल्ली गोल्ड थे, एक टाइम दिल्ली सिल्वर था, नॉर्थ इंडिया गोल्ड था। तो एकदम एकदम गोल्डन पीरियड चल रहा था बहुत अच्छे। फिर मैं मेरा शेड्यूल चेंज हो गया, मेरा जिम चेंज हो गया, मेरे सर थे गॉडफादर बोलूँगा, जैसे आप मेरे गॉडफादर ऐसे ही वो भी मेरे गॉडफादर हैं, पवन सर, प्रहलाद सर, जीत बैसला, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कहता हूँ ना दिल से अगर मानता हूँ, बहुत बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। और सच में एक गुरु होते हैं लेकिन उन्होंने दोस्त और भाई हर चीज़ उन्होंने इतना मेंटेन करके रखी मेरे साथ, हर तरह से मेरा सपोर्ट किया। वहाँ से मैंने उनके साथ तैयारी करी, इंडिया उन्होंने मेरा टाइटल लगवाया, दिल्ली में 2 बार, नॉर्थ इंडिया में भी उनके साथ ही मैंने तैयारी करी। उसके बाद फिर उन्होंने मैंने तैयारी करी ओलंपिया के लिए, ये जर्नी थोड़ी टफ थी। ओलंपिया अक्टूबर में था, एमेच्योर ओलंपिया, एमेच्योर ओलंपिया, ये जर्नी बहुत टफ थी। मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सब ने बोला कि तुम कर सकते हो, ये मुझे भी लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मेरी हेल्प बहुत बहुत लोगों ने करी, बहुत लोगों ने। जब मैं ओलंपिया की तैयारी कर रहा था तो ओलंपिया से एक महीने पहले मैंने पापा एक्सपायर हो गए, पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद फिर भी भाई ने बोला कि नहीं तुम करो तैयारी, तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारा ड्रीम है। पापा भी यही चाहते थे, फैमिली वाले भी यही चाहते थे, बहुत लोगों को तुमसे एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद मैंने किया, तैयारी करी, दिन रात मेहनत करी, इवन मेरा दिल्ली ट्रायल स्टेट ट्रायल था वो मैंने क्लियर किया, क्वालिफाई किया। उसके बाद 26 सितंबर को उसका ओलंपिया का इंडिया ट्रायल था, इंडिया के लिए सिलेक्शन था, तो मेरी कैटेगरी में 6 लड़के सिलेक्ट थे, मैं टॉप 6 में था इंडिया में। उसके बाद फिर मुझे कम्पीट करना था फाइनल में 15 अक्टूबर को,
मुंबई में। मैं यहाँ से गया, वहाँ पे मेरे सर थे, प्रहलाद सर, पवन सर मेरे साथ थे, जो एक साय की तरह हमेशा खड़े रहे। मेरे लीजेंड भाई भी मुझे वहीं पे मिले। मैं ऐसे लेटा हुआ था, ये कहते ये कौन लेटा है ऐसे जानवर की तरह। उन्होंने बोला सुमित है, क्या हो गया? बुखार है। उस टाइम मुझे फीवर हो गया था, तो थोड़ा लाइट था, वेइंग कराया वहाँ पे। उसके कराने के बाद बस वापस जा रहे थे तो थोड़ी तबीयत डाउन लगी। उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत एकदम ऐसे क्रिएट सी हुई, फिर जो है मुझे हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। तो वहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह आई, डेंगू निकला, डॉक्टर ने मना कर दिया। भैया उस टाइम पे मेरे साथ थे, ये इवन कंपटीशन में भी नहीं गए थे, ये वहीं पे मेरे साथ खड़े रहे थे। बहुत सोचा था, पापा को खोया, फिर ये साथ आए, इन्होंने, ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने मन में। अपने कहते हैं ना लोग, एथलीट इनको पूछते हैं कि एक निपुण अग्रवाल के साथ एक फ़ोटो मिल जाए, एक ऑटोग्राफ मिल जाए, और मैं इनके साथ ऐसे ट्रीट करता हूँ, पता नहीं कैसे ट्रीट करता हूँ। ये वहाँ पे थे, इनको बोला कि कंपटीशन है, आप चले जाओ वहाँ से। मेरे बड़े भाई, मेरे जीजाजी वहीं पे थे, उनको बोला कि आप चले जाओ, लेकिन ये वहाँ से नहीं गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रहूँगा, और ये वहीं पे थे। तो मैं एक मिनट लेते इसको रोक रहा हूँ, क्योंकि दिस स्टोरी इज़ नॉट अबाउट मी, दिस स्टोरी इज़ अबाउट सुमित नागर। और क्योंकि मैं वहाँ पे था इसलिए मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं भी बोल सकता हूँ कि वहाँ पे काफ़ी देशों से एथलीट आए हुए थे खेलने, और जो मेरे दिल से जुड़े हुए लोग हैं वो भी वहाँ पे थे, एंड आई वाज आल्सो इनवाइटेड देयर, तो मैं भी गया हुआ था। और वहाँ पे मैंने देखा सुमित की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, जबकि पहले से ही ख़राब थी, बट एक एथलीट का होता है कि वो अपनी बॉडी को और थोड़ा पुश करता है, और थोड़ा पुश करता है, क्योंकि उसे वो सपने सक्सीड करने होते हैं, सपने अचीव करने होते हैं। इसी चक्कर में सुमित की तबीयत यहाँ जाने से पहले ही थोड़ी गड़बड़ थी आई थिंक, लेकिन उसने फिर भी वर्कआउट किया, क्योंकि इन नो केस ही वॉन्टेड टू लूज द मेडल दैट ही वुड हैव गॉट फ्रॉम ओलंपिया। इस चीज़ में वो गया और उसने वर्कआउट किया, और रात को काफ़ी, मेरे ख्याल से 11 बज गए थे वेइंग के लिए, वेइंग कराई, लेकिन फिर उस आई थिंक उसके बाद इस बच्चे के शरीर ने बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया। फिर मेरे को पता चला कि इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जीरा जी आए, इसको हॉस्पिटल लेके गए, और इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, इट इज़ सो सैड। वहाँ पे मैंने अपने एक बहुत क्लोज इंसान के ड्रीम्स को ऐसे हाथ से फिसलता सा देखा। सुमित मुझे वहाँ पे पड़ा पड़ा हॉस्पिटल के बेड पे बोल रहा था कि मैं खेल लूँ, मेरे को याद है। और मैं और सुमित के जो जीजा जी हैं, हम डिस्कस करते थे हम क्या करें, ये बच्चे का मौका है, तैयारी करके आया, कब से इसने तैयारी की है, खेल ले क्या, हम सोचते थे। और हम डॉक्टर से बात करने जाते थे, वो बोलता था कि नहीं, मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा कि बिल्कुल भी खड़ा भी हो ये लड़का, इसको बहुत इस बुखार है, बहुत वीकनेस है, गिर जाएगा ये। और सुमित हमसे पूछे जाए कि प्लीज़ मैं एक बार स्टेज पर चढ़ जाने दो, बट इट वॉज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। याद है सुमित, वाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? वही है, उसके लिए दिन रात बहुत मेहनत करी थी। सबसे बड़ा लॉस था फादर का, सबसे बड़ा, फिर फैमिली, मेरे दोस्त, स्पेशली थ्री, मोनू, सुंदर और महेश, बहुत बहुत उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प करी, हर जगह खड़े रहे, हर जगह दिन रात, ये नहीं ये हम करेंगे, वो करेंगे, तू ये कर, तू वो कर, हर जगह एक साय की तरह साथ रहे। फिर मेरे सर, कोच, एक सर बोलते ना, एक अगर तुम्हारे सही गाइडेंस ना मिले तो तुम कुछ नहीं कर सकते, और मेरे कोच ने ना मुझे सही गाइडेंस के साथ साथ एक अच्छा रास्ता भी बताया कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। मैं बहुत जगह डिमोटिवेट हुआ, उन्होंने फिर मुझे समझाया, नहीं ऐसे नहीं, तुम ये कर सकते हो। जब मैं बीमार था, आप भी मेरे साथ थे, मैं आपसे बहुत फोर्स कर रहा था कि नहीं मुझे खेलना है, मैंने बहुत मेहनत करी है, मुझे खेलना है। जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि अगर आप चाहो तो अपने रिस्क पे इसको खिला सकते हो, लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि इसको खिलाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड जो है, प्लेट वगैरह थी, वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, बहुत डाउन थी, 25,000 के आसपास पे आ गई, बहुत ज़्यादा डाउन थी, लास्ट डे में 16,000 पे आ गई थी प्लेटलेट, जिसकी जिस दिन ओलंपिया स्टेज पे हो रहा था उस दिन, और 16,000 प्लेटलेट्स में ये फिर भी स्टेज पे चढ़ के एक बार पोजिंग करने के लिए तैयार था। कैन यू इमेजिन एक एथलीट कैसा फील करता है?
बहुत हमें सपोर्ट मिलती है, दोस्तों से मिलती है, सर से मिलती है, भाई हैं इनसे मिलती है, इनकी बातों से मिलती है। ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मैं इनसे दिल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। आज से नहीं, काफ़ी टाइम से हो गया हूँ, थोड़ा ज़्यादा खुल गया हूँ, तो ज़्यादा खुल के बात कर लेता हूँ। बाकी बहुत मानता भी हूँ इनको, एक गॉड फादर ही है मेरे लिए। और रही यार दोस्त वगैरह, तो इनके बगैर तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत कुछ है अभी भी। उसके बाद जब मैं ओलंपिया से वहाँ आया तो मुझे ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी हॉस्पिटल में, तो बड़े भाई थे उन्होंने, मेरा दोस्त है सुंदर भाई, उनके पास कॉल करके बोला कि उसको ब्लड की बहुत ज़रूरत है, तो अगर तुम में से एक कोई बंदा आए उसके लिए ब्लड मैनेज करा दे तो भाई ठीक बस रहेगा। लाइन लग गई होगी। तो बस उसने फ़ोन किया, इतनी देर में पता नहीं कितने बंदे आए वहाँ पे। तो वो डॉक्टर बोल रहा भाई किसके लिए आए हैं, कि ये वो सुमित पेशेंट है उसके लिए आए हैं, वो उसमें है। तो अच्छा, कह रहा है भाई इतने पेशेंट तो हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, इतने उसके एक पेशेंट के लिए इतना ज़्यादा ब्लड डोनेट करने। तो उस चीज़ से ना बहुत रोना आया, बहुत खुशी हुई कि आज सच में इतने ज़्यादा प्यार करने वाले भी हैं। ऐसा नहीं है यार, एथलीट होते हैं वो भी बहुत समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं कि ये तो ये खा के बना ली, ये तो ये खा के बना ली, डब्बा उसके पीछे का जो वो है कैसे तपस्या बनाई, तपस्या क्या है, कितना भूखा मरना पड़ रहा है, कितना क्या खाना पड़ रहा है, क्या नहीं खाना पड़ रहा है, कितना पेन सहना पड़ रहा है, कितने घंटे वर्कआउट करना पड़ रहा है। बंदे तो आके बोल देते हैं ये खा के बना लिया, ये लगवा के बना लिया। भाई तुम लगवा के तो देखो, केवल वही लोग तुम्हारी बुराई कर सकते हैं जो कभी कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ कर सकते हैं या फिर जो कर रहे हैं वो लोग कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि एक एथलीट का दर्द क्या होता है, इसमें कितनी मेहनत होती है, उसे एक एक अचीवमेंट के लिए कितना कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है, फैमिली दोस्त घूमना फिरना यार दोस्त सब चीज़ खाना पीना, एक 6 महीने के लिए एक बहुत बड़ी तपस्या हो जाती बहुत है। बड़ी। इतनी बड़ी तपस्या हो जाती है, इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है। मैंने ओलंपिया में, मैं घर से आ गया था, मैंने दिल्ली में रह के तैयारी करी थी, किसी के साथ रह के मैंने तैयारी करी थी, आज उसी की वजह से मैं हूँ। उसी ने मुझे बोला कि तुम इस लाइन में जाओ, और आज मैं जो भी हूं, 2-4 सीढ़ी चढ़ा हूं, तो सिर्फ उसी की वजह से, क्योंकि उसने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। बहुत सपोर्ट करी, हर तरह से सपोर्ट करी, और मैं थैंक यू बोलूंगा उसके लिए, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, वी गोना चेंज द टॉपिक हियर। सो तुम गुज्जर समाज से हो, और इस तरह की इस कम्युनिटीज में किस वो कोई भी कम्युनिटी हो, जैन कम्युनिटी हो, जाट कम्युनिटी हो, कोई भी बनिया कम्युनिटी हो, हाँ, तो काफ़ी बार होता है कि जब आप एक किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हो काफ़ी, तो सोसाइटी समाज वगैरह उसको थोड़ा कोशिश करते हैं कि पीछे पीछे खींचें। पीछे खींचे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ है? हाँ, एक टाइम था, कुछ बड़े क्लोज दोस्त थे मेरे, बड़े क्लोज थे, ऐसे मैं नाम एक्सपोज नहीं कर सकता, लेकिन बड़े क्लोज थे, हर तरह से बहुत ज़्यादा मुझे वो करते थे। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ टाइम से ऐसे मैं सुनने में आता है कि वो तुम्हें पीछे कर देंगे, वो ये बोलते हैं कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये इवन जब मेरा गोल्डन टाइम चल रहा था, तब तो और भी जब ज्यादा मेरे, होंगे। हाँ, तब मेरे गोल्ड लग रहे थे, तो मुझे ये चीज़ सुनने में आ रही थी कि इसने ना, इसने तो पैसे दे के गोल्ड मारता है ये। भाई चलो मैं पैसे दे के गोल्ड मारता हूँ, तुम भी मार लो एक आध, ठीक सही बात है। है। अभी रिसेंटली टाइम में, अभी 1-2 हफ्ते पहले ही ये चीज़ सुनने में आ रही उन्हीं दोस्तों से जो कभी मेरे साथ खास हुआ करते थे, कि हम इसको पीछे कर देंगे, ये क्या है, ये कुछ नहीं है। मुझे खुशी होगी भाई, के पीछे हो जाऊं मैं, तुम आगे निकल जाओ। तुम आगे निकल जाओ, मुझे तुम्हारे लिए सच में खुशी होगी। मैं सोचता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, और मैं एग्जाम्पल दूँ कि देखो भाई मैं था और मेरे पीछे मेरे भाई आए, मुझे बुराई नहीं लगी, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आज भी उनकी हेल्प करता हूँ, मैं आज भी अगर उनको ज़रूरत होती है, मुझे जितनी नॉलेज है मैं उसको बताता हूँ उन्हें, कि भाई तुम ये खा लो, ये ले लो, ये मत लो, ये सही नहीं है और क्या सही है तुम्हारे लिए, मैं उन्हें बताता हूँ। लेकिन फिर वही लोग आके ऐसे बोलते हैं कि हम इसको पीछे कर देंगे, हम इसका ये कर देंगे, इस पे कुछ नहीं है, पैसे दे के टाइटल मार लिए। ठीक है भाई, बॉडी हर कोई बना के घूम लेता है, हर दूसरा बंदा रोड पे चौड़ा होकर चल लेता है, हाँ करेक्ट, कोई कोई बुराई नहीं है, है ना, अच्छी बात है, उनकी अच्छी बात है मेहनत है भाई, वो। उनकी मेहनत है।
लेकिन भाई रोड पे चलना, बॉडी बना के खड़ा होना और स्टेज पे खड़ा होना बहुत फर्क है। मैं तो बोलता हूँ ना भाई तुम मुझे पीछे कर दो, लेकिन भाई मैं तो एक और बात बोलूंगा, तुम स्टेज पे जाके एक बार मेडल भी मार के आओ, एक बार मेडल भी मारो, तब मुझे लगेगा हाँ यार मेरा भाई कुछ है। ऐसे भाई किसी को भी कमेंट मत करो, किसी के बारे में भी मत बोलो, जबकि दूसरा बंदा कभी तुमसे इस चीज़ के लिए कभी भी, मैं अब लाइव ही चल रहा हूँ, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, टेलीकास्ट भी होगा, कभी भी मैंने किसी के बारे में नहीं बोला। इवन जो मेरे छोटे भाई दोस्त जितने भी हैं आते हैं, मैं भी एक छोटा सा जिम ट्रेनर हूँ, मैं भी ट्रेन करता हूँ, जो भी मुझसे पूछते हैं मैं उनको बताता हूँ ये करना है ये नहीं करना है। गलत गाइडेंस देना ठीक नहीं है, क्योंकि हम उस फील्ड से गुजरे हैं, हमने बहुत सारा दर्द लिया है, हमें पता है अगर गलत कहाँ से पैसे लेके आते हैं, कैसे कैसे पैसे आते हैं, कौन कैसे देता है, हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, एक एक चीज़ के लिए तरस जाते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में है ना, क्योंकि हम वो चीज़ बर्दाश्त कर चुके हैं। यही तो मैं बोलता हूँ, अपनी मेंटलिटी को चेंज करो। अगर तुम्हारा कोई भाई दोस्त आगे बढ़ रहा है तो उसको प्लीज़ आगे बढ़ाने के लिए उसकी हेल्प करो, उसको बोलो कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, ना कि हम तुम्हारे साथ हैं और पीछे जाके हम तो उसको हटा देंगे। ये है ठीक है। सो एक फटाफट एक बात बता कि अपने आप को कोई कैसे मोटिवेटेड रखे ऐसी सिचुएशन में? अपने थिंकिंग जो है ना, वो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को उसको पॉजिटिव बना के रखो। वो देखो क्या है, बोलने वाले तो बोलेंगे, तुम्हारा एम क्या है, तुम किसके लिए कर रहे हो, तुम उनके लिए थोड़ी ना कर रहे हो जो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, तुम उनके लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, जो लोग तुमसे प्यार कर रहे हो तुम उनके लिए कर रहे हो। अपना बेस्ट दो, जो तुम्हें बोलने वाले हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे जिस दिन तुम उनको जवाब दे दोगे। कभी भी किसी को बोल के जवाब मत दो, अगर तुम बोल के जवाब दोगे तो कभी भी जवाब नहीं दे पाओगे। हमेशा अपने काम से, वर्क से, जो जितना तुम कर सकते हो उसको अपने उससे जवाब दो। सो सुमित, आप सबको दिख रहा है कि ठीक से बैठ, ही इज अ राक्षस, ठीक है, मैं इसको राक्षस ही बोलता हूँ, है ना, और ये थोड़ा गुंडा टाइप का राक्षस है, हालांकि मेरे से तो काफ़ी प्यार से रहता है, प्यार से बातें करता है, बट ये अदरवाइज ही इज क्वाइट अ रोडियो काउबॉय इन हिज एरिया, ठीक है। तो मिस्टर काउबॉय, ऐसा सोचते हैं मैं हूँ नहीं, सब जानते हैं मेरे बारे में, ऐसा नहीं है। मैं भी जानता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, सब जानते हैं मेरे बारे में, ऐसा नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। हाँ, तो मैं भी कह रहा हूँ ये ऐसा ही है, राक्षस ही है ये। तो एक बात बता कि अगर किसी को, बहुत बार हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि लड़के पूछते हैं कि भैया मैं 6 महीने से 8 महीने से जिम कर रहा हूँ, मेरा वेट नहीं भर रहा, मैं अभी भी बिल्कुल पतला सा हूँ, ऐसा क्यों होता होगा और उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ये भी क्वेश्चन है, बहुत सारे आते हैं कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, मेरे मसल बिल्डअप नहीं हो रहे हैं, है ना, या फिर मैं पतला नहीं हो रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है तुम्हारे डिसिप्लिन कैसा है, तुम्हारा अपने वर्कआउट को लेके, अपनी डाइट को लेके, तुम कितने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, कितना तुम डाइट फॉलो कर रहे हो, कितना तुम रेस्ट ले रहे हो, कितना नहीं ले रहे हो। अभी किसी को बोल दिया तुम डाइट में 8 अंडे लेने हैं, वो बोला, उसने कोच ने बोला उसको मील के हिसाब से लेना है, वो बंदा एकदम से जाके 8 ले लेगा, जबकि उसमें क्या है, डाइजेस्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं हो पाया। हमारी बॉडी एक साथ में प्रॉपर जितना उसको प्रोटीन चाहिए उतना ही बॉडी प्रोटीन कंज्यूम करती है, बाकी वेस्ट में चला जाता है। तो एक बार में बहुत ज्यादा, मतलब 3 स्कूप एक साथ ले लिए, अंडे भी खा लिए, नहीं हो सकता, नहीं, हमारी बॉडी केवल उतना ही प्रोटीन कंज्यूम करेगी जितना उसको रिक्वायरमेंट होगी, बाकी तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। आपको अपनी लीन है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो आपको सबसे पहले मैं बोलूँगा आप नेचुरल पे जाओ, क्योंकि हमारा बेस जो है वो नेचुरल ही है। हम जितना नेचुरल चलेंगे, शुरू में आके बंदे बोलते हैं भाई मुझे ये खिला दो, मुझे वो खिला दो, मेरे अपने जैसी बॉडी बना दो, ये कर दो, वो कर दो, कितने ऐसी बॉडी कितने टाइम में, ऐसी बॉडी कितने टाइम में बन जाएगी भाई, 1 महीने में बन जाएगी, है ना, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जितना आप स्लोली चलोगे, जितना आप अपने आप को रोक के रखोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना जितना मैं बोलूँगा, अब भी बोलूँगा मैं तुमसे, नेचुरल हमारा बेस जो है वो नेचुरल ही है, आप जितना नेचुरल खा सको उतना नेचुरल खाओ, कुछ भी मीठा अवॉइड करो, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा वगैरह, तो
बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये। अभी मुझे एक बात याद है कि मेरा एक स्टूडेंट है प्रियांशु, वो आता है जिम में, मैं उसको कर रहा था, वो मुझसे कह रहा था कि मेरा जो वेट है वो 1 महीने में कम करा दो वरना मेरे घर वाले मेरी रोटी बंद कर देंगे। मैंने कहा सही है, रोटी बंद हो जाएंगी तो डाइट अपना पतला हो जाएगा। तो वही है, तुम अपनी डाइट को अच्छे से रखो, जितना तुम्हें तुम्हारे कोच तुम्हें प्रीफर कर रहे हैं, इतना प्रोटीन लेना है, इतना कार्ब्स लेने हैं, इतना फैट लेना है, जो जो चीज़ तुम्हें लेनी है टाइम टेबल से, उससे ज़्यादा वर्कआउट शेड्यूल अपना अच्छे से रखो। जो जो तुम्हें जिस टाइम पे वर्कआउट बताया जा रहा है आप उस वर्कआउट को फॉलो करो, डेफिनेटली तुम अच्छे अच्छी फिजिक पाओगे, अच्छी फिजिक। सो क्विक क्विक क्वेश्चन एंड क्विक आंसर, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए नेचुरल तरीके क्या हैं? टेस्टा बूस्टर लाइक गोक्सुरा गोक्षुरा, सबसे ये बेस्ट हिमालय है, का आता है। हिमालय का था सबसे बेस्ट एकदम। और सबसे मेरे हिसाब से तो टेस्टा बूस्टर नेचुरल में तो यही है, गोक्सुरा है। एक्सरसाइजिंग कोई? बूस्ट करने के लिए हाँ, हफ्ते में 2 बार डेडलिफ्ट, हफ्ते में 2 बार डेडलिफ्ट डेडलिफ्ट ना? सबसे बेस्ट और नेचुरल तरीका अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का। हफ्ते में आप वीक में 2 बार डेडलिफ्ट डेडलिफ्ट करें, ये सबसे नेचुरल और सबसे अच्छा तरीका है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का। ठीक है, कोई आदमी ज़्यादा फैटी है उसको कंट्रोल करना है, कैसे फैट, सबसे पहले वो वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। उसे ये देखना है कि वो एक दिन में कितनी कैलोरी अर्न कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? वो खाने से पता चलेगा, अरे खाने पे थोड़ी लिखा है रोटी में बहुत कितनी कैलोरी होती है। वही है, तुम उसी के हिसाब से पहले मैं, अगर तुम देखो, अगर कोई नॉर्मल बंदा है वो नहीं आएगा, लेकिन कोई जिम में कर रहा है ना, उसको बोलो तुम क्या खा रहे हो दिन में, पिज्जा खा रहे हो ना, एक बार मेजर करके आओ पिज्जा में कितनी कैलोरी कैलोरी है। है ना, उसी हिसाब से फिर तुम उसको बर्न करो जिम में आके। अगर तुम्हारी फिजिक बहुत ज्यादा फैटी है, मोटी है, तो तुम्हें एक दिन में इतनी कैलोरी बर्न करनी है और इतनी अर्न करनी है। तो वो क्या है, कोई फॉर्मूला है उसका? फॉर्मूला है डाइट, प्रॉपर डाइट। लोग ये अलार्म है क्या? हाँ, उसके हाँ लिए डाइट है, हाँ तुम कितना क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। आपको डाइट में मैं बोलूँगा, अगर आपकी बॉडी बॉडी बहुत ज़्यादा फैटी है, आप उसको कार्ब्स थोड़ा कम करें। कम करें, फैट एकदम लो रखें, स्वीट्स फास्ट फूड वगैरह एकदम बिल्कुल खत्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हल्का तुम प्रोटीन डाइट अच्छी रख सकते हो, जैसे क्या? लाइक एग, दाल, एग दाल, वेजीज मोस्ट, मैं तो बोलता हूँ वेजीज तो इतना हेल्प करती हैं, इतना हेल्प करती हैं। और वाटर, हमारी बॉडी बिल्डिंग में मैं मानता हूँ 70% रोल वाटर का रहता है। बॉडी में अगर वाटर, हम वाटर बैलेंस मेंटेन रखेंगे ना, हमारी बॉडी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करती है, चाहे वो गेनिंग में हो या लीनिंग में हो, वो चीज़ मैटर नहीं करता, लेकिन वाटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है बॉडी बिल्डिंग तो लाइन में। अच्छे से पानी पिए। अच्छे से पानी पिए एटलीस्ट गर्मियों में, एक एडल्ट मैन के लिए 7 से 8 लीटर पानी, 7 से 8, 8 लीटर पानी। मोस्ट पीपल आई नो इन माय ऑफिस वो 2 लीटर से ऊपर जाते ही नहीं। वही तो कह रहा हूँ, वही वहीं पे मात खा जाते हैं, वहीं पे कहते हैं। हमारी बहुत ज़्यादा जो शरीर में जो डिजीज रहती है ना, उनको दूर कर देता है पानी की जो होती है ना। अगर आप प्रॉपर वे में पानी ले रहे हो पर डे 7 से 8 लीटर, आपकी बहुत सारी बीमारियां तो पानी ही खत्म कर सात देता से है। आठ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिकॉज योर मिनरल्स, योर नेचुरल मिनरल्स, सोडियम, एवरीथिंग मे गेट वॉश्ड अवे। नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक एडल्ट के लिए तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे ज्यादा ले होगे तो फिर तो ज्यादा हो मे गया। बी एक जो जिम कर रहा है कोई एथलीट टाइप है उसके लिए जरूरी होगा। हाँ, ओके ना जरूरी है। ओके बाकी वेजीज में आप बीन्स ले सकते हो, शिमला मिर्च हो गया, और तुम्हारा कैबेज हो गया, है ना, पालक में आयरन पालक होता है हो, बहुत। पालक ले सकते हो आप, बहुत अच्छा रहता है ना। तो ये काफ़ी वेजीज तो आप जितना फॉलो करोगे उतना बेस्ट है, आपके लिए भी, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। फिर अपना आप मल्टीविटामिन वगैरह कभी बंद ना करें। अगर आप बॉडी बिल्डिंग लाइन में हो तो आप ओमेगा 3 वगैरह लेना ये चाहिए। सब लेना चाहिए, है ना। वही है, सब लेते हैं हर चीज़। अगर कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है तो हर रास्ते के लिए जाता है, तो वो उसके साथ ना प्रोटेक्शन के लिए भी मल्टीविटामिन्स हो गए, लीवर टैबलेट हो गई, बहुत सारी टैबलेट हैं जिनको वो लेते हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। तो वही है, बस हर चीज़ एक बैलेंस में चलनी चाहिए। बॉडी बिल्डिंग कोई खेल नहीं है, बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है जो हर किसी के बस की नहीं नहीं है, है। जो हर किसी के बस नहीं है। सोच हर कोई सकता है, बोल हर कोई सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इससे अच्छा बन सकता हूँ, लेकिन
करने और बोलने में बहुत फर्क होता है। मैं तो यही बोलूँगा कि अच्छा करो, बेस्ट करो, बहुत अच्छा करो। अभी रिसेंटली मैंने कॉम्पीट किया, आपको पता है, IBBF इंडिया में, वहाँ पे पुणे, हाँ पुणे इंडिया, 6th प्लेस लगी थी वहाँ पे। उसके बाद मैंने 1 तारीख को फिर कॉम्पीट किया यहाँ पे मेडल मारा मैंने दिल्ली सीरीज में, फर्स्ट टाइम हुआ इंडिया में, दिल्ली में उसमें। उसके बाद से फिर मैं रेस्ट पे हूँ और अब सेटअप करूँगा कुछ अच्छा सा। या ऐसा क्या चालू है अभी, कुछ सोच रहा है? अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। यस, और उसके बाद अभी 2 साल बाद डिफरेंट पैकेज के साथ आई विल बी बैक ऑन स्टेज। यस, मुझे लगता है सुमित के अंदर इतना पोटेंशियल है, क्यों? क्योंकि ये लड़का बहुत हार्ड वर्किंग है, मुस्कुराते मुस्कुराते अपना हार्ड वर्क करता रहता है ये, एंड ही कीप्स लाफिंग एंड स्माइलिंग। गुस्सा भी करता है काफ़ी, थोड़ा इसके सर पे ठंडा पानी डालते रहने की भी जरूरत है। मुस्कुराना इनसे सीखा है, ये काफ़ी मोटिवेट करते हैं। सच में बहुत लोग मिले, बहुत ज़्यादा इनसे जुड़ा हूँ, एक फैमिली की तरह इन्होंने ऐसे मुझे ट्रीट किया है, हर जगह से, हर तरह से, एक भाई से भी ज़्यादा बढ़ के एक जगह दी है, है ना। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपकी छत्र छाया में और ये जो हाथ में ऐसे हमेशा ऐसे रखा रहे, है ना। ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव, आई बिन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और हज़ारों एथलीट पूरे देश में जुड़े हैं, लेकिन कुछ वो हीरे हैं ना, वो आपके दिल से जुड़ जाते हैं, एंड दे कांट गेट अवे। सुमित उनमें से एक है। कभी भी मुझे भी कुछ पर्सनली कुछ परेशानी हुई है, रिक्वायरमेंट हुई है, सुमित हमेशा सबसे आगे खड़ा मिला है। कभी एक बार कुछ ज़रूरत हुई, मैंने सुमित को कहा, सुमित अपने एक दो दोस्तों को ले आ, एक गाड़ी में भर के, पता नहीं इतने सारे 6-7 लोगों को ले आया कि फिर मुझे ऐसे बोलना पड़ा, क्या कर रहा है तुम, इतनी ज़रूरत नहीं थी। बट ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। ऑल आई विश इज़ दैट सुमित आगे सिर्फ ग्रो करता रहे। ही जस्ट कीप्स विनिंग वॉट एवर ही ड्रीम्स ऑफ, ही कीप्स अचीविंग दैम। मैं तो ये विश करूँगा सुमित। और कोई तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास कोई मैसेज है जो तुम अपने फ्रेंड्स को या फिर एक बढ़ते एथलीट को देना चाहते हो कि वो आगे चल के देखे कि सुमित भैया है, इन्होंने बात कही थी और मेरे को ज़िंदगी भर याद है? बस मैं यही बोलूँगा कि आप आगे बढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, पीछे भी किसी बोलने वाले बहुत हैं, उनकी बातों पे गौर ना करें। आप अपना गोल कैसे अचीव करना है उस पर फोकस करें, दिन रात उस पर मेहनत करें, क्योंकि जो बोलते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं, वो आपको सिर्फ अड़चन देते हैं जिससे आपको दिक्कत होती, उन पे फोकस ना करें। और लास्ट में आप सब लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतना वो मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू। बिल्कुल, विल ऑल कीप सपोर्टिंग यू। आई एम डेफिनेटली विद यू माई ब्रदर, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।